खानपुर प्रखंड के हरिपुर घाट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रालोसपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीके सिंह ने वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हरिपुर घाट पुल बनाने का संकल्प लिया। खानपुर प्रखंड के विशनपुर आभी पंचायत के हरिपुर घाट में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वारिस नगर विधानसभा क्षेत्र से रालोसपा प्रत्याशी सर रालोसपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बीके सिंह ने वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हरिपुर घाट पुल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर लोगों और मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बीके सिंह ने बताया कि हरिपुर घाट पुल साल 2002 में उद्घाटन होने के महज 17 सालों बाद ही धराशायी होकर नदी में बह गया। इस समस्या पर स्थानीय विधायक और सांसद ने समय रहते ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आवागमन में जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों के समक्ष ये संकल्प लिया कि वह विधानसभा चुनाव में हारे अथवा जीते, लेकिन ये पुल वह बनवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। लाइन और इंडिया टुडे में बड़ी बड़ी लेख आप लोग लिखते हैं, उनको बता दें कि मुंबई और दिल्ली में जींस पहन के चार घूमने वाली लड़कियां जो है वही भारतवर्ष की महिला नहीं है। आए वो लोग बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, आए आके देखे हमारे गांव घर में कि आज भी हमारी माँ बहन जब विवाह करके एक बार आंगन में आती हैं तो मरने के बाद ही बाहर जाती हैं। वो कुछ भी उनके जीवन में नहीं है, पति बच्चा और चूल्हा, ये तीन चीज छोड़ के उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, किस तरह का जीवन मेरा बाप भाई गुजार रहा है ये देखने की आवश्यकता है। क्या हमारे बच्चों को खेलने का अधिकार नहीं है इस विधानसभा के अंदर में? किसी भी हमारे छोटे बच्चे को, हमारे युवा साथी को कहीं भी एक प्लेग्राउंड नहीं है, कोई सिनेमा थिएटर नहीं है, किसी तरह कोई बाजार नहीं है। नतीजा होता है कि हमारा युवा साथी इंटरटेनमेंट जो है लाइफ का एक हिस्सा है, बिना उसके आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। हम पूछते हैं इन लोगों से कि भाई आप में और भैंस जब बगल में बंधी हुई है उसमें क्या फर्क है? भैंस भी चारा खाती है भाई, आप भी कुछ खाते हो, वो भी गोबर करती है, आप भी करते हो, वो भी बच्चा पैदा करते हैं, आप भी करते हो, इसके अलावा क्या है आपके जीवन में बताओ? तो जीवन में, इन लोगों के जीवन में इंटरटेनमेंट नाम का कहीं कोई भी चीज़ नहीं है। नतीजा है कि जो समाज के जो पुरुष वर्ग हैं वो कहीं ताश खेल के, दारू तारी पी के, कुछ गप सप करके आपस में दो चार लोग कहीं जीवन गुजार रहे हैं। हमारे युवा साथी दिशा भ्रमित होके नशा के आदि हैं, नशा किसी भी तरह का हो सकता है, उस तरह से अपना जीवन यापन पाल रहे हैं। इंटरटेनमेंट के नाम पे उनके पास यही है कि कुछ ना कुछ नशा कर लिया, कुछ कर लिया, अपना समय पार कर रहे हैं। तो अगर इस नस्ल को बचाना है तो निश्चित रूप से एक समुचित विकास की अगर हम लोग बात करें, उसको अगर देखें तो हमारे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड चाहिए, कोई पार्क चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, कभी आपने सोचा है इनको क्या जिंदगी मिलता है? क्या कभी इनको मन नहीं करता होगा, इनकी इच्छा नहीं होती होगी हमारे बुजुर्ग साथियों को कि अपने पत्नी के साथ बैठ के ये भी कहीं चाय कॉफी पिए, कहीं पार्क में बैठ के अपने परिवार के साथ घंटा दो घंटा समय बिताएं? क्या इनकी ऐसी इच्छा नहीं होती? इनको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की इनको जरूरत नहीं होती? सारी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और सारी जो सुविधाएं हैं ये सब जो है सो भरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ही है, इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये इंसान नहीं है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि समुचित विकास की आवश्यकता है, और अगर हम लोग आते हैं तो एक निश्चित रूप से हम इस बदलाव को हम लोग लाएंगे और एक मॉडल के रूप में इस विधानसभा को हम लोग खड़ा करेंगे, ये हम बता के जाना चाहते हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।